जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश लोधी, माँ भारती अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। 11 फिजिक्स का पहला चैप्टर भौतिक जगत का आज हम लोग दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आधारित है प्रकृति में मूल बलों के बारे में, प्रबल नाभिकीय बल के बारे में। हमने नाभिकों में ये देखा है दोस्तों कि जैसे ये नाभिक हैं, इस नाभिक के अंदर क्या होती है, मान लो ये परमाणु है और परमाणु के बीच यहाँ पर ये है नाभिक है ना, ये क्या है हम लोग का नाभिक है। नाभिक में हम लोग जानते हैं कि यहाँ क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और क्या होती हैं न्यूट्रॉन होती हैं। यहाँ पे क्या रहती हैं, प्रोटॉन भी रहते हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन भी रहते हैं। तो हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में अगर जो सजातीय आवेश जैसे कि धनावेश धनावेश है उनको अगर पास लें तो वो एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। प्रोटॉन क्या होती है, धनावेशित होती है। तो ऐसा नहीं है कि नाभिक में सिर्फ एक ही प्रोटॉन रहता है और एक न्यूट्रॉन रहता है, कई सारे ऐसे परमाणु हैं जिनके नाभिकों में एक से ज़्यादा प्रोटॉन रहते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पर बहुत सारे प्रोटॉन हैं तो उसमें ये होना चाहिए कि दोनों प्रोटॉन जो धनावेश हैं वो एक दूसरे को क्या करें, प्रतिकर्षित करें, है ना। प्रतिकर्षित करना चाहिए था, क्यों, क्योंकि वो दोनों क्या हैं, सजातीय आवेश हैं, सजातीय आवेश हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। अगर वो प्रतिकर्षित करती तो यहाँ पर जो नाभिक का संतुलन है वो कैसे हो जाती, बिगड़ जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता, बावजूद इसके कि दोनों प्रोटॉन मतलब जितने भी प्रोटॉन यहाँ पर रहते हैं वो सब समान आवेश के होने के बावजूद भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करते और नाभिक संतुलन बनाए रखती है। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब ये तो समझ आता है कि आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है वो यहाँ पर काम नहीं कर रही है। तो हो सकता है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल हो। तो हम लोग जैसे कि यहाँ पे जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत ही कम होता है, किससे, विद्युत चुंबकीय बलों से। तो विद्युत चुंबकीय बलों से बहुत कम होता है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर विद्युत चुंबकीय बल नहीं लग रही है तो उससे जो कम बल है गुरुत्वाकर्षण बल वो भी यहाँ पर नहीं लगेगी। तो ऐसा क्या होता है कि नाभिकों में प्रोटोनों के मध्य जो कि सजातीय आवेश हैं धनावेश हैं, है ना, उनके मध्य प्रतिकर्षण भी नहीं लग रही है, ना ही उसमें गुरुत्वाकर्षण भी बल नहीं लग रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, है ना, इस प्रकार की जो बलों को बताने के लिए हमने एक नए बल के बारे में सोचना चालू किया, जिसको कहा जाता है प्रबल नाभिकीय बल, है ना। तो प्रबल नाभिकीय बल आवेशों के प्रकार या प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, चाहे वो धनावेश हो, चाहे वो एक धनावेश और एक उदासीन हो। जैसे कि हम लोग जानते हैं ना न्यूट्रॉन कैसे होती है, न्यूट्रॉन होती है आपकी उदासीन, प्रोटॉन ये होती है हम लोग का धनावेशित, और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो ये कैसा होता है, उदासीन। तो चाहे उदासीन परमाणु के बीच, उदासीन कणों के बीच यहाँ पर बल कार्य करें या धनावेशित कणों के बीच यहाँ पर बल कार्य करे, तो वो जो बल होती है उसको बोलते हैं हम लोग प्रबल नाभिकीय बल। ये जो नाभिकीय बल होती है सबसे ज़्यादा प्रबलतम अगर कोई बल है तो यही है, ये है हम लोग का प्रबलतम बल। पूरे विश्व में अगर बात करें तो सबसे प्रबल बल के रूप में अगर आती है तो वो है प्रबल नाभिकीय बल। इसका जो परिसर होते हैं वो बहुत कम होती है, 10^-15 मीटर के रेंज का होता है। तो नाभिक में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों पर लगने वाला जो बल होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल, और उसका जो रेंज होता है बहुत कम होता है, 10^-15 मीटर, इसी को बोलते हैं ये सबसे प्रबल बल होती है, है ना। तो और उसके बाद लास्ट में पढ़ते हैं हम लोग दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल कब होती है, जब नाभिकीय प्रक्रियाओं में बीटा क्षय होती है। बीटा क्षय में क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बनते हैं और एक न्यूट्रिनो बनते हैं, है ना। तो जब नाभिक से नाभिकीय प्रक्रियाओं के दौरान जब बीटा क्षय प्रकट होती है तो उस समय जो लगने वाला बल है उसको बोलते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। तो बीटा क्षय के दौरान क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो बनता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि आखिर प्रकृति में मूल कितने प्रकार के बल होते हैं। तो हमने देखा गुरुत्वाकर्षण बल होती है, विद्युत चुंबकीय बल होती है, प्रबल नाभिकीय बल होती है, दुर्बल नाभिकीय बल भी होती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो दुर्बल नाभिकीय बल है, दुर्बल नाभिकीय बल का जो परिसर होता है 10^-16 मीटर के रेंज का होता है। प्रबल नाभिकीय बलों का रेंज कितना होता है, 10^-15 मीटर। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर प्रबल नाभिकीय बल, है ना, ये है प्रबल नाभिकीय बल, और विद्युत चुंबकीय बलों की बात करें, विद्युत चुंबकीय बल, इसको हिंदी में लिख लेता हूँ ऐसे,
विद्युत चुंबकीय बल। तो इन दोनों बलों की अगर तुलना करें तो प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होती है। ठीक है, तो प्रबल नाभिकीय बल इससे 100 गुना ज़्यादा होती है, किससे? विद्युत चुंबकीय बलों से। तो ये हम लोग ने दूसरा दो बलों की तुलना देखी। उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि विद्युत चुंबकीय बल जो होती है गुरुत्वाकर्षण बल से कितनी 10 या 36 गुना ज़्यादा होती है, और यहाँ पे हमने देखा प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों से 100 गुना ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हमने प्रकृति में जो मूल बल हैं उनके बारे में पढ़ा। तो बलों के एकीकरण में हमने देखा कि जैसे कि विभिन्न प्रकार के बल थे, जैसे कि स्प्रिंग में लगने वाला बल, घर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल और कंघी में उत्पन्न बल, बादलों में जब गर्जना होती है तो बादलों के मध्य जो घर्षण होती है वो बल, तो ये सभी बल क्या हैं? इन सभी बलों को हम लोगों ने न्यूनीकरण किया और उनको हमने क्या कहा, ये सभी क्या है? विद्युत चुंबकीय बल है। तो इस तरह से हमने प्रकृति में जो विभिन्न प्रकार के बल थे उसका हम लोगों ने एकीकरण किया। एकीकरण करने के बाद हमको जो चार प्रकार के बल मिले थे, एक था गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल और चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। बाद में इस पर और प्रयास किए गए दोस्तों कि क्या ये जो चार प्रकार के मुख्य बल हैं इसको भी हम लोग किसी एक बल में समाहित कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी प्रयास किए गए और बाद में पता चला कि विद्युत चुंबकीय बल और जो दुर्बल नाभिकीय बल है अब इन दोनों को कंबाइन करके विद्युत दुर्बल बल कहा जाता है। तो अब इस तरह से प्रकृति में कितनी बल बची? एक गुरुत्वाकर्षण बल बची, दूसरा प्रबल नाभिकीय बल और तीसरा इन दोनों को मिलाकर विद्युत दुर्बल बल बची है। जैसे कि अगर मैं बलों के एकीकरण की ओर प्रयास की बात करूँ तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को हम लोग जानते हैं दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है? पार्थिव स्तर पर लगने वाले जितने भी बल हैं जो स्थूल बल से संबंधित होती है वो सभी बल, या खगोलीय स्तर पर जितने भी बल लगते हैं जैसे बड़े बड़े ग्रह हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, इन सभी के मध्य जो लगने वाला बल है वो सभी बल न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण नियम के अंदर समाहित किए हैं। इसके बाद जैसे बात करते हैं कि ऑस्टेड और फैराडे ने अपने प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर ये बताया कि जो विद्युत बल होती है और चुंबकीय बल ये कोई अलग अलग बल नहीं होते। विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है, अर्थात विद्युत बल चुंबकीय बल का कारण है और चुंबकीय बल विद्युत बल का कारण है। तो इस तरह से ऑस्टेड और फैराडे ने इस पर अध्ययन किया और बताया कि विद्युत बल और चुंबकीय बल अलग अलग चीज़ नहीं है, वो एक ही चीज़ है, उसको हम लोगों ने क्या कहा, विद्युत चुंबकीय बल कहा। इसके बाद कुछ समय बाद मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने भी अपने प्रयोगों के आधार पर ये बताया कि ये जो विद्युत चुंबकीय बल है जिसमें विद्युत बल और चुंबकीय बल है और दूसरा है प्रकाश, है ना, तो प्रकाश की और विद्युत चुंबकीय बल को उन्होंने समाहित किया और इसको उन्होंने बोला कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसको क्या कहा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये जितने भी आती हैं जैसे विद्युत वाली परिघटनाएं, चुंबकीय वाली परिघटनाएं और प्रकाशिक परिघटनाएं, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित है या विद्युत चुंबकीय परिघटनाओं से क्या है, संबंधित है। तो इस तरह से मैक्सवेल ने प्रकाश को, विद्युत को, चुंबकत्व को तीनों को समाहित किया। और इन सभी के अलावा एक और एग्जाम्पल है जिसमें आइंस्टीन ने गुरुत्वीय बल और विद्युत चुंबकीय बल को एकीकृत करने का प्रयास किया, हालांकि वो इसमें फेल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए एक स्टेप्स था दोस्तों कि हम आने वाले समय में ये देखेंगे कि ये जो सभी बल हैं इन सभी बलों का भी एक मूल बल होगा, है ना। तो इस तरह से अभी हमने चार बल पढ़े थे, उसमें से चार बल में से विद्युत चुंबकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल को आप कंबाइन करके विद्युत दुर्बल बल कहा जाता है। तो इस प्रकार से मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय बल और इन दोनों को मिलाकर विद्युत दुर्बल बल यहाँ पर हमको प्राप्त होता है, है ना। मुख्य रूप से तीन ही बल अब प्रकृति में मौजूद हैं और इन्हीं बलों के कारण विभिन्न अलग अलग बल हम लोग को दिखाई पड़ती हैं। अब इसके बाद अगर बात करते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के, है ना, ऊर्जा संरक्षण का नियम स्थूल प्रवाहों पर भी सत्य है और सूक्ष्म प्रवाहों पर भी सत्य है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या कहती है? ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहती है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, इसको बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, इसको बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का प्रभाव। जैसे कि सौर ऊर्जा है, सौर सोलर पैनल से हम लोग क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो बस सौर ऊर्जा एक रूप है और विद्युत ऊर्जा दूसरी रूप है, तो एक रूप से हम लोग दूसरे रूप में क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। अगर जैसे मान लो ये एक पिंड है, यहाँ पर सौर ऊर्जा यहाँ पर स्ट्राइक हो रही है, मतलब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आपतित हो रही है, तो होगा क्या, कुछ समय बाद ये पिंड गर्म हो जाएगी, तो ये जो सौर ऊर्जा है, है ना, ये किस में परिवर्तित हो रही है, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रही है। तो इस तरह से क्या होता है कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण तो होता है, लेकिन अगर संपूर्ण विश्व की
कुल ऊर्जा की बात करें तो वो हमेशा कैसे रहती है, नियत रहती है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें द्रव्य ऊर्जा संरक्षण के नियम का, ऊर्जा संरक्षण के नियम की, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम को आप लोग जानते हो दोस्तों, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसका एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरण होता है। इसके बाद बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान को पहले दोस्तों संरक्षित माना जाता था, हालांकि ये नियम अब गलत हो चुकी है ना, अब द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता। आइंस्टीन के जो इक्वेशन थे ई बराबर डेल एम इंटू सी स्क्वायर से, अब यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता, और इसको संशोधित करके इसको हमने क्या कहा, ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा। इसका मतलब है किसी भी पिंड का कुल अगर द्रव्यमान में कमी हो रही है ना, उसके द्रव्यमान में अगर कमी हो रही है तो वो जो द्रव्यमान में कमी है वो किसके रूप में परिवर्तित होगी, ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होगी। तो इस तरह से द्रव्यमान संरक्षण का नियम गलत साबित होता है, और उसको संशोधित करके, करेक्ट करके बाद में उसको द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा गया है ना। तो अगर किसी भी पिंड में, जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं नाभिकीय प्रक्रियाओं में, नाभिकीय प्रक्रियाओं में क्या होती है, द्रव्यमान में कमी होती है, और ये जो द्रव्यमान में कमी है ये ऊर्जा के रूप में हम लोग को मिलती है। तो नाभिकीय ऊर्जा वहाँ पे क्या होती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है, किसी कारण, द्रव्यमान में कमी होने के कारण। तो इस तरह से क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। और ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसमें क्या होती है, ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे में परिवर्तित होते रहती है ना, द्रव्यमान में जो कमी होती है वो ऊर्जा के बराबर होती है। यहाँ पे जो सी है ये क्या है, प्रकाश की चाल है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना, प्रकाश की चाल होती है। ई क्या है, ऊर्जा है, और डेलम क्या है, द्रव्यमान में क्षति, द्रव्यमान क्षति बोलते हैं ना, द्रव्यमान में कमी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।